Check it out, check it out, check it out. Coca-Cola, baby. It's a kind of magic. It's a kind of magic. Oh, I should be. Hey. वेलकम बैक टू माई आई हेट दीज लाइन्स. बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये. जो भी मैंने गाना तुम लोगों को सुनाया है ये वो गाना नहीं है जिसको मैं रिएक्ट करने वाली हूँ. अभी मैं वो गाना लगाऊंगी, मगर उससे पहले बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू वॉच इट टिल दी एंड. मजे की बात यह है कि कोक स्टूडियो ने ये गाना रिलीज़ किया है. ये इट्स अ ट्रिब्यूट टू द क्वीन. क्वीन क्या है हम बात करते हैं, मगर इसको 2 महीने हो गए हैं और ये मेरी नज़र से बचा रहा. ये कोक स्टूडियो जो ओरिजिनल पेज है, यूट्यूब पे जो ओरिजिनल ब्रांड है, उसकी तरफ से है गाना. बहुत मज़े का गाना है, बहुत अच्छा ट्रिब्यूट दिया है, बहुत अच्छा से रीसिंग किया है. इट्स अमेजिंग, इट्स अ मास्टरपीस. और मैं तुम लोगों के सामने इसलिए सुनने वाली हूँ ताकि तुम लोगों तक पहुँचे और तुम लोग उसको अप्रिशिएट करो और उसको उतने व्यूज़ और उतना अप्रिसिएशन मिल सके जितना वो डिज़र्व है. अब बेसिकली क्वीन है क्या? इट्स 1980s ब्रिटिश रॉक हैवी मेटल बैंड. और ये ना सिर्फ उस टाइम का बल्कि आज तक का वन ऑफ द क्रेजीएस्ट मोस्ट पॉपुलर बैंड है. इसका जो लीड था फ्रेडी मैक्यूरी, तुम में से बहुत सारे लोग जानते हैं क्योंकि उसमें मूवी भी बनी है बोहेमियन रैप्सोडी, रियल लाइफ स्टोरी पे बेस करती है. इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड तुम लोगों को बता देती हूँ बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनकी जिस तरह भी लाइफ इवेंट्स हुए उनकी फैमिली का बहुत बड़ा रोल है उसमें. वो बेसिकली एक पारसी इंडियन फैमिली से बिलोंग करते थे. फादर एंड मदर वर इंडियंस एंड पारसीज. और उनका असल नाम फारूक बुलसारा है. उनकी जो वोकल्स हैं वो अभी तक कोई मैच नहीं कर पाया है. रॉक म्यूजिक में उनका सबसे बड़ा नाम है. ना सिर्फ वो तब मशहूर थे बल्कि आज की दुनिया में भी उनका बहुत बड़ा नाम है. जो रॉक म्यूजिक से ताल्लुक रखते हैं या पसंद करते हैं उनको इनका पता है फ्रेडी मर्क्यूरी कौन थे, कौन है और उनके वोकल्स कितने ज़बरदस्त हैं, कितने अनयूजुअल थे. कहा यह जाता है कि उनके 4 दांत एक्स्ट्रा थे. सबके 32 होते हैं, उनके 36 थे और इसकी वजह से जो उनके वोकल्स थे वो बिल्कुल ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे जो कोई मैच नहीं कर पाया आज तक. उसके अलावा वो सर्जरी करवा सकते थे, उन्होंने नहीं करवाई. उनको यहाँ पे नोड्यूल्स हो गए थे थ्रोट में, मगर उन्होंने वो रिमूव नहीं करवाए बिकॉज हिज़ वॉइस वॉज वेरी स्पेशल टू हिम. उनको लगता था कि ये लूज़ नहीं होनी चाहिए, बाकी सब जो जाता है जो आता है आ जाए. और उन्होंने ये पोजीशन बहुत मुश्किल से गेन की थी, बहुत मेहनतों से गेन की थी. बोहेमियन रैप्सोडी आप सब देखो जाके. और उनकी जो पर्सोना है, उनका जो स्टेज प्रेजेंस है, दैट इज़ अमेजिंग. उनका एक गाना ही सुन लो, बोहेमियन रैप्सोडी सुन लो यार उनका. उनका गाना है अ काइंड ऑफ मैजिक, उसको भी तुम लोग सुनो जाके यूट्यूब पे. उसको कोक स्टूडियो ने ट्रिब्यूट किया है. अ बंच ऑफ सिंगर्स केम टुगेदर एंड सिंग इट अगैन. वो इतना खूबसूरती से गाना गाया है और क्या ट्रिब्यूट पेश किया है, उनके रूह को सुकून मिल गया होगा. तुम लोगों की स्क्रीन पे, यूट्यूब की स्क्रीन पे ऐड चल रहा है आजकल उसका, अगर तुमको पता हो. एक कमर्शियल्स बने हैं, मल्टीपल कमर्शियल्स बने हुए हैं जो कि प्ले किए जा रहे हैं. मैं तुम लोगों को वो गाना सुनाने वाली हूँ. फास्टन योर सीट बेल्ट्स, इट्स गोना बी अ फन राइड, इट्स गोना बी अ ब्यूटीफुल राइड. लेट्स टेक इट. It's a kind of magic. It's a kind of magic.
it's the kind of magic. Magic. I absolutely loved the track. I absolutely loved the instruments, loved the music, vocals, video. बहुत खूबसूरत, मुझे बहुत पसंद आया था एंड आई वॉन्टेड टू शेयर इट विद यू गाइज. तुम लोग मुझे बताओ तुम लोगों को कैसा लगा. तुम लोगों को ओरिजिनल सुनना है, मैंने सुना है, तुम लोग भी सुनो. इट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग, लिरिक्स इतनी खूबसूरत है और फ्रेडी की आवाज़. तो फिर फ्रेडी के बारे में एक और बात, जो फ्रेडी की आवाज़ है, इट इज़ नोन टू बी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वॉइसेस एवर नोन टू ह्यूमन काइंड. पुरानी वाले तो हमें पता ही नहीं है ना कि कैसे बोलते थे, मगर उसकी आवाज़ इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, मोस्ट पावरफुल वॉइस. बहुत अच्छा गाना है. कोई हम बीच में ज़्यादा नुकता चीनियाँ नहीं करेंगे, बट अमेजिंग. या अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर यू ऑल, ब्लेस अप, बाय.